इजी कुकिंग भाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी तुहाडा स्वागत है। अज असी कणक दे आटे दा हलवा बनावांगे। हलवे दी रेसिपी जे तुहानू अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जो हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तां ओह वी प्लीज़ कर देना, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि साडी हर वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। हुण इहनू बनाउण वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ दी जरूरत है एक एक करके असी तुहानू दिखाने आ। सब तो पहले देखो जी, असी कणक दा आए आटा तकरीबन बस इन्ना क कोली थोड़ा नीचे ये लिया है, तो ये वास्ते इन्ना कसी घ्यो ले लिया देसी, तो ये असी चीनी ले ली, तो ये तीनों चीज़ें ही असी यूज़ करनिया ने। तो असी हुण बनाना शुरू करते हैं। पानी असी ऐड करन लगे हैं, जिन्ना असी आटा लिया उस तो डबल असी पानी पाना ये चीनी। हाँ देखो जी, उस तो डबल असी पानी पाता है, तो आ देखो चीनी असी जी ली है वो असी इस पानी पा देनी है। असी ये चासनी नहीं बनानी है, जो तो चीनी घुल जाए पानी असी इन उतार के अलग रख लेना है। सिर्फ असी चीनी घोलनी है गर्म पानी गर्म करके, असी बस थोड़ा जहा हिलाना इस तरह, जिमें पानी गर्म होएगा तो चीनी अच्छी घुल जाएगी, इनू असी उतार के अलग रख लेंगे। और देखो पानी चीनी पूरी घुल गई, असी इन उतार के अलग रख देना। ये तीनों चीज़ा तकरीबन बराबर ही पैदा, क्योंकि जिनी चीनी उन्ना ही कणक का आटा तो उन्ना ही घ्यो। वैसे अपने टेस्ट मुताबिक थोड़ी बहुत तुम घट कर सकते हो, चीनी घट कर सकते हो, तो घ्यो भी थोड़ा बहुत अपने टेस्ट के मुताबिक घट कर सकते हो। अदरवाइज तकरीबन बराबर पैदा ने, तो पानी डबल पैंता है। हुण असी पैन च असी घी ऐड करन लगे जी, घी असी ऐड करन लगे पैन च। आ देखो जी, घ्यो साडा गर्म हो चुके देसी, तो आटा असी इहदे च ऐड करता। ये असी हुण नाल नाल इहनू हिलाई जाणा है, ये मीडियम टू लो फ्लेम विच रखनी है। जदों बहुत तेज़ हो जाए तो उहनू लो कर देनी है ताकि आटा जिहड़ा सड़ ना जाए। स्लो स्लो असी इहनू हिलाई जाणा है घ्यो च। तो आ देखो इहनू जदों ये इहदे च खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, ये ब्राउन हो जाएगा, तो उस तो बाद असी इहदे च जिहड़ा पानी असी गर्म करके रखे चीनी वाला वह असी पावांगे। ये असी विदाउट ड्राई फ्रूट बना रहे हैं, बिल्कुल प्लेन, ये जिवें कड़ाह प्रसाद बनाया जाता है उस तरह है, क्योंकि इस तरह ही प्रसाद बनाया जाता है। हाँ देखो जी, असी मीडियम ते असी कर रहे हैं, जो सानू लगेगा कि तेज़ है तो असी उन्हों लो ते कर देंगे। देखो जी, इस तरह इन रैगुलर हिलाई जाना, असी इन बिल्कुल छड़ना नहीं है ये, क्योंकि नीचे जदे सड़ जाएगा। तो असी मीडियम तो थोड़ा जहा लो कर दिता, कोई तेज सेक लग रहा, बस मीडियम टू लो दे विच बनना है। हाँ देखो बहुत अच्छा, देखो जी बन गया। आ देखो जी, आटा सारा बिल्कुल ब्राउन शेप लै गया, तो हम असी इस पानी ऐड करने लगे। आ देखो ज़्यादा नहीं असी करना, हाँ देखो पानी असी जरा चीनी पा के असी गर्म किया, असी पानी करना हूँ इन नाल इन चलाना थोड़ी मीडियम असी सेक कर दिता, लो तो असी वधाता इन इस तरह इन हिलाई जाना। हाँ देखो, क्योंकि लास्ट स्टेज पर ध्यान रखना पैंदा, क्योंकि जो तो ब्राउन हुंदा तो एकदम सड़न के चांसिस होंगे ने, उदो थोड़ा जिहा इमीजिएट लो ते कर दिओ गैस नूं, जिन्ना घट कर सकते इन करके, तो उस तो बाद पानी पा के फिर इन हिलाई जाना। हाँ देखो, हाँ देखो जी इस तरह हिलाई जाना, देखो बिल्कुल पैन नूं नहीं चिपक रहा, जो तो चिपकेगा नहीं हलवा तो समझो तुहाडा बिल्कुल परफेक्ट बनिया। देखो असी सिम ते करता गैस नूं, देखो जो ये साइडां तों घ्यो आन लग जाए उदों समझो भी ये हलवा तैयार है, फिर इहनू हिलाई जाना इस तरह ही। घी देखो ये निकलना शुरू हो जाएगा साइडां तों, साइड तों आ रहा है। हाँ देखो, हाँ देखो जी हलवा बन के साढ़े बिल्कुल तैयार है। देखो किवें साइडों तो सारा तो घ्यो निकलना शुरू हो गया, तो गैस असी हुण बंद कर दी, तो हलवा साढ़ा तैयार है। हाँ देखो जी, असी अलग प्लेट्स कट के तुम्हें दिखा लगे, देखो किवें इमीजिएटली आ रहा, बिल्कुल नाल नहीं चिपकिया और घ्यो बहुत देखो निकलिया, इसमें तो परफेक्ट साढ़ा हलवा तैयार बनिया। कणक के आटे का हलवा बन के बिल्कुल तैयार है, उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा। एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दियो कि तुहानू कैसा लग्या। थैंक यू वेरी मच।